गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिंग निशा। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं स्किन ब्राइटनिंग के ऊपर। ध्यान रहे मैं स्किन वाइटनिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज स्किन वाइटनिंग आई डोंट थिंक कि लेज़र टेक्निक के अलावा किसी और तरीके से पॉसिबल है और वो हर कोई नहीं करवा सकता है। यहाँ बात करने वाली हूँ स्किन ब्राइटनिंग के ऊपर, बिकॉज स्किन ब्राइटनिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइट करने में। स्किन वाइटनिंग एक अलग चीज़ होती है, स्किन ब्राइटनिंग अलग चीज़ होती है। ब्राइटनिंग में ये होता है कि आपकी जो स्किन टोन है वो आपके जो नेचुरल टोन है उससे एक या दो टोन आपकी स्किन साफ हो जाती है, सो उसे कहते हैं स्किन ब्राइटनिंग। पिगमेंटेशन है या फिर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, निशान है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, सो उसके सॉल्यूशन के लिए आज आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, आज बात कर रही हूँ मैं समीशा ऑर्गेनिक ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली विटामिन सी पे डिपेंड है, और विटामिन सी जैसा कि आपको पता है आपकी स्किन को इवन करने के लिए और ब्राइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है समीशा ग्लो एवरीडे, समीशा ऑर्गेनिक की साइड से मॉर्निंग ब्रीज फेस वॉश। तो ये विटामिन सी का फेस वॉश है, इसमें विटामिन सी है हाई क्वालिटी में एंड एलोवेरा है, और ये आपके जितने भी पोर्स होते हैं स्किन में क्लॉग्ड जो हो जाते हैं उनको अनक्लॉग करता है और आपके पोर्स को प्यूरीफाई करता है। बेसिकली जो आपके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड हो जाते हैं आपकी स्किन में तो आपको पिम्पल एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, सो उनको क्लीन करता है, ये नेचुरल क्लीन करता है। और जितने ब्लेमिशेज है आपके फेस पे उसको रिमूव करेगा, स्कार है कुछ निशान है पिंपल्स के उनको दूर करेगा, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, और अगर आपकी स्किन में टैनिंग हो गई है तो ये डी टैन का भी काम करेगा। सो ये बहुत अच्छा फेस वॉश है और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिकॉज इसमें कोई भी पैराबन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है और मिनरल ऑयल नहीं है, और ये ऑल स्किन टाइप पे सूट होने वाला फेस वॉश है। तो जो भी आपकी स्किन आप यूज़ कर सकते हो। 100 ml आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी और इसमें आपको 2 years की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। ₹499 इसका प्राइस है। वो यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी है, ये जस्ट एक पी साइज अमाउंट में आपको अपने पाम में लेना है और अपने फेस को पहले वेट कर लेना है। जैसे यूजुअली हम फेस वॉश करते हैं, फेस को वेट करते हैं, एक पी साइज अमाउंट में इसको लेना है और जेंटली एक फॉर्म क्रिएट करनी है अपने हाथों में, जस्ट अपने फेस को अच्छे से इससे वॉश कर लेना है और पैड ड्राई कर लेना है टॉवल के साथ। ये आप दिन में 2 बार यूज़ कीजिए, आपकी स्किन में आपको और कुछ दिनों में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये भी विटामिन सी के ऊपर ही है, ये है समीशा ऑर्गेनिक ग्लो एवरीडे ब्राइटनिंग फेस सीरम विटामिन सी। 30 ml आपको क्वांटिटी मिल जाएगी और इस तरह की पैकेजिंग में, और इस तरह से एक ग्लास बॉटल में आपको सीरम इसमें रिसीव होगा। सो ये सीरम है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ, ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, नेचुरली ब्राइट करेगा, और इसमें विटामिन सी हाई क्वांटिटी में है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो कि आपकी स्किन को इवन करती है और आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और जल्दी से रिंकल्स नहीं आते आपकी स्किन में। बेसिकली इसमें एलोवेरा भी है, बेजिल एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी है, ग्रीन टी से आपके जितने भी फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो दूर रहती है एक्चुअली, और इसमें जिंजर ऑयल एक्सट्रैक्ट भी है, इसमें विच हेजल एक्सट्रैक्ट है और इसमें ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, आपका जो भी स्किन टाइप आप यूज़ कर सकते हो। इसमें पैराबेन नहीं है, सिलिकन नहीं है, सल्फेट नहीं है। 30 ml क्वांटिटी मिल जाएगी, ₹800 का है, बट डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको। गाइस इसको यूज़ करने का तरीका है, पहले आपको ये विटामिन सी फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, इसके बाद आपको ये सीरम अप्लाई करना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और ये आपको अपने फेस से नेक एरिया तक इस्तेमाल करना है ताकि आपका फेस एंड नेक का कलर सेम रहे, और थोड़ी सी मसाज करके आपको ये अपने स्किन में एब्जॉर्ब करना है, और इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी जो क्वालिटी है कुछ इस तरह से, तो ये थोड़ा इस तरह से येलो गोल्ड से कलर में है, और इसमें अच्छी बात ये है कि थोड़ा वाटर बेस्ड है। अगर मैं इसको दिखाऊँ, ये थोड़ा वाटर बेस्ड है, सो अगर जिनकी ऑयली भी स्किन है तो उनके लिए बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं रहेगा, ये वाटर बेस्ड है और आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा स्टिकी नहीं बनाएगा, और ये बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है, इतना लाइट वेट है। इसके बाद मेरे पास है एक समीशा ऑर्गेनिक ग्लो एवरीडे
फेशियल टॉनिक मिस्ट, रोज टोनर है ये, एक्चुअली टोनर मिस्ट है, इसे आप अपने फेस पर डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। इसमें है रोज पेटल, ग्रीन टी विच हेजल एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट एंड बेजल एक्सट्रैक्ट। ये आपकी स्किन को रिवाइव करता है, ड्राई एंड टायर्ड स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट भी नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है। ये ऑल स्किन टाइप है, सब स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। 100 ml क्वांटिटी मिल जाएगी आपको 500 rupees में। इसमें आपको 2 years की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। सो डायरेक्शन है कि जस्ट आपको अपने फेस पे स्प्रे करना है, और अगर आप हर 10-15 दिन में CTM करते हैं तो टोनर आप ये वाला टोनर यूज़ कर सकते हैं। ये टोनर आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं और एवरीडे की यूज़ में भी कर सकते हैं यूज़, बिकॉज ये आपकी स्किन को ठंडक देता है। आपकी स्किन में जो भी एक्ने प्रोन स्किन होती है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये एक्ने से बचाने के लिए। सो काफ़ी अच्छा टोनर है, इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है और ये बहुत रिफ्रेशिंग है। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास, समीशा ऑर्गेनिक एंटी एक्ने क्रीम। सो अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स की दिक्कत है तो ये वाली एंटी एक्ने क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, क्लीन करती है, और ये आपकी स्किन में जितना कोलेजन होता है उसको बूस्ट करती है और रेडिएंट लुक देती है। एक्ने फ्री एंड स्कारलेस स्किन आपको प्रोवाइड करती है। इसमें आमंड ऑयल है, कैरेट सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, रोज एक्सट्रैक्ट है, मुलेठी है एंड एलोवेरा है। 50 ग्राम क्वांटिटी मिल जाएगी आपको 800 rupees में। 2 years की शेल्फ लाइफ है इसमें। पिंपल के बम्प्स हो जाते हैं या फिर एक्ने के स्कार्स है या पिंपल्स पापा होते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है पिंपल्स की, या छोटे छोटे ब्रेकआउट्स भी जो होते रहते हैं आपकी स्किन में जिसमें म्यूकस भी होती है, तो आप ये वाली एंटी एक्ने क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये क्रीम काफ़ी अच्छी है, मैंने इसको खुद अप्लाई भी करके दिखाया है और ये बहुत रिफ्रेशिंग लगेगी आपको। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और इसके बाद आपको अपने फेस पे ये क्रीम को अप्लाई करना है एक इवन लेयर के फॉर्म में। ज़्यादा रब नहीं करना है आपको अपनी स्किन पे, हल्का सा आप इसको मसाज करके एब्जॉर्ब कर लीजिए अपनी स्किन में। और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो इसको 2 से 3 बार आप दिन में अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी ये क्रीम है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, नॉन स्टिकी टेक्सचर है और ये बिल्कुल वाइट कलर में है। सो आपको आपकी स्किन पे कोई एक्स्ट्रा कलर भी नहीं मिलेगा। सो आप इसको एवरीडे यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो गैस, ये जो पूरी ब्राइटनिंग किट है समीशा ऑर्गेनिक की साइड से बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है और आपकी स्किन में डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट हाँ, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज इंस्टेंट कुछ भी अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता है स्किन में देखने को। सो आप इसको एवरीडे यूज़ में रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपको पसंद आता है या फिर आपको सारे प्रोडक्ट ये परचेज़ करने हैं, बिकॉज ये एक तरह की स्किन ब्राइटनिंग किट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर लीजिए। अगर आपको ये बाय करने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। और गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय गाइस।